अब बस कुछ ही दिन बचे हैं 2024 स्टार्ट होने में। हर बार लाखों लोग एक पेपर उठाकर उस पर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखते हैं और एक नए जोश के साथ उन रेजोल्यूशन पर काम करने लग जाते हैं। शायद आपने भी 2023 के स्टार्ट में कुछ ऐसा किया हो कि मैं ये स्किल सीखूंगा, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट बनूंगा, बट धीरे धीरे जैसे ही फरवरी मार्च मंथ आता है जोश ठंडा पड़ने लग जाता है और अप्रोक्सीमेटली 95% लोग उन रेजोल्यूशन को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो 5% लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए पागल रहते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं, डेली एफर्ट्स मारते हैं, यही लोग अल्ट्रा परफॉर्मर्स बन जाते हैं, अपने फील्ड के बाप बनते हैं। असल में ये 5% लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इन्हें एक फॉर्मूला पता है जिससे ये अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं। यही आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या है वो पैटर्न और फॉर्मूला, और अगर आप इसको फॉलो करने लगे तो आप भी दुनिया के 95% लोगों से बेहतर बन जाओगे। 2008 में मैल्कम ग्लैडवेल ने एक बुक पब्लिश करी थी, आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस, जिसमें इन्होंने एंड्रेस एरिक्सन और बिल चेस की एक थ्योरी बताई थी कि किसी भी फील्ड या स्किल पर डेलिबरेट प्रैक्टिस के साथ अगर आप 10,000 आवर्स देते हो, 10,000 घंटे देते हो, तो आप उस फील्ड में महारत हासिल कर लेते हो, अल्ट्रा परफॉर्मर बन जाते हो। कोई भी चीज सीखने की बात आती है तो टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहकर टाइम को फोकस के साथ में इन्वेस्ट करते हो तो आप किसी भी काम में वर्ल्ड बीटर बन जाते हो, वर्ल्ड बीटर। इस 10,000 आवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप 2 घंटे रोज के देते हो किसी भी काम में फोकस के साथ में, तो आपको 5,000 दिन लगेंगे, यानी कि 14 साल लगेंगे किसी भी काम को मास्टर करने में, कि उसके बाद में आपको कोई हरा नहीं सकता। या फिर अगर आप 5 घंटे देते हो डेली के किसी भी स्किल को सीखने में, किसी भी काम को, तो लगभग आपको 5.5 साल लग जाएंगे उसमें एक्सपर्ट बनने में, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इस हिसाब से ही बना हुआ है कि एक दिन में अगर आप किसी भी स्किल की 4-5 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो वो हैंडल नहीं कर पाओगे। जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में एम्प्लॉइज 8-8 घंटे 9-9 घंटे की नौकरी करते हैं, लेकिन वो फुल एनर्जी के साथ में केवल 4-5 घंटे ही काम कर पाते हैं, बाकी के घंटे तो वो बॉडी को, ब्रेन को खींच रहे होते हैं। तो ये जो 10,000 घंटे का नियम था ये काफी ज्यादा था, और जिंदगी बहुत छोटी है, 5.5 साल 14 साल बहुत बड़ा नंबर होता है, हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, बहुत से लोग बोर होकर बीच में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। इसलिए इसी थ्योरी पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तब निकल कर आया 100 आवर रूल, 100 घंटे का नियम। इस सिद्धांत से आप कम समय में किसी भी स्किल के मास्टर बन सकते हो, अपनी स्किल पर काम कर सकते हो और जॉब या पढ़ाई के साथ साथ एक पैरेलल करियर भी बना सकते हो। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, पीटर थिल, ये तीनों भी इसी रूल को फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के किंग कहे जाते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज यानी कि स्किल्स पता करो जो आप कर सकते हो और उसमें इतने पावरफुल बन जाओ जिसे अगर कोई दूसरा आपके फील्ड में आए और उससे आपका बैटल हो तो जीत आपकी ही हो। इन्होंने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बारे में बताया था। ये देखो, ये 2 सर्कल ऐसे बने हुए हैं, इस सर्कल के अंदर का पूरा एरिया वो है जिन चीजों की आपको नॉलेज है, जैसे पियानो बजाना, राइटिंग, क्रिकेट खेलना, एक्सेल, जो भी आप करते हो। बट इस वाले सर्कल के अंदर केवल वो स्किल्स है जिसमें आप बेस्ट हो। यही बहुत से लोग पता नहीं कर पाते हैं कि वो किसमें बेस्ट है, और ये किसमें बेस्ट हो तब पता लगेगा जब आप इमोशंस को साइड में रख करके सेल्फ एनालिसिस करोगे। मान लो राइटिंग आप ऐसी करती हो कि लोगों के माइंड से अट्रैक्ट होते हैं कि बंदा क्या लिखता है, लेकिन आपके अंदर की आवाज आ रही है कि भाई क्रिकेट खेलना चाहिए, क्रिकेटर बनना है, बैट पकड़ना आता नहीं ढंग से, पर क्रिकेट में आप एवरेज हो। तो यही वो पॉइंट है जहां पर आपको इमोशंस को साइड में रख करके सेल्फ एनालिसिस करना है, पता करना है कि किसमें आप बेस्ट हो। बस वही स्किल पकड़ लो और उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दो, आपको सर्कल से बाहर निकलना ही नहीं है, जस्ट स्टे इनसाइड द सर्कल, क्योंकि 2, 4, 10, 12, 36 स्किल्स के पीछे भागोगे तो किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप एक आत्मा बहुत सारे स्किल्स में नहीं लगा सकते, एक बार में एक ही जगह आत्मा लगाई जाती है, बहुत सारे स्किल्स में एवरेज रहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी एक स्किल में बेस्ट कॉम्पिटिटर बनकर आप बहुत कुछ पा सकते हो। मल्टीपल स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन एक टाइम पर फोकस हमें एक ही स्किल पर रखना है, एंड सबसे पहले तो उस पर जिसमें हम बेस्ट है। अब बताता हूं कि 100 आवर रूल क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो फॉर्मूला क्या है जिसको फॉलो करके आप फील्ड के टॉप 5% में आ जाओगे। बात हो रही अपने ऊपर काम करने की, तो इस पर आप एक इससे रिलेटेड शॉर्टकट टू सक्सेस ऑडियो बुक सुन सकते हैं जिसे ऑलरेडी 38,000 लोग सुन चुके हैं। एक और अनलॉक योर सबकॉन्शियस पावर ऑडियो शो सुन सकते हैं जिसे 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है, जिनके अंदर आपको कई काउंटलेस प्रिंसिपल्स मिलने वाले हैं। इन ऑडियो बुक्स को आप जॉगिंग करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त, या फिर आप ड्राइव करते वक्त भी सुन सकते हैं। कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल इतनी बुक्स पढ़ूंगा, पर वो फेल हो जाते हैं। एक एवरेज रीडर पूरे महीने में 2 बुक्स ही पढ़ पाता है, लेकिन कुकु एफएम का यूजर पूरे महीने में 5 ऑडियो बुक्स सुनकर कंप्लीट कर लेता है। कुकु एफएम की बात मैं कई बार कर चुका हूं, जो एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स है कई कैटेगरीज में, जैसे कि फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, बिजनेस केयर, जिसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM50, तो आपके 50% ऑफ फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में हो जाएगी, यानी कि 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पिन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। 100 आवर रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग बस आपको 1 साल की मेहनत करनी है, जिसमें डेली फोकस होकर बस 18 मिनट का समय देना है डेली अपने स्किल को, जिसके बाद आप उस स्किल से काम कर रहे 95% लोगों से आगे निकल जाओगे। सोचो दिन के 18 मिनट कितना कम है, बट रेगुलर कोई नहीं कर पाता, 4 दिन 5 दिन करा 10 दिन करा मिस कर देंगे फिर। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो
और आप एक्शन लेना चाहते हो तो कैलेंडर में मार्क करो आज की डेट और माइंडसेट बनाओ कि रोज मुझे 18 मिनट तो देना ही है इस काम के अंदर और सीधा एक साल के बाद में इसको मैं देखूंगा क्या हुआ। आप चाहो तो डेली एक घंटे का चैलेंज भी ले सकते हो, यानी कि 3 महीने तक आपको एक्टिव लर्निंग करनी होगी फिर, और फिर आप अपने फील्ड के बिगिनर से काफी आगे निकल जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि ये सारे घंटे एक टाइम के बाद में कंपाउंड हो गए और आपकी जिंदगी में आएगा क्रिएटिव फ्लो। फ्लो बनता है जब बीच में मिस नहीं होता है, जब डेली कुछ हो रहा होता है तब एक टाइम के बाद फ्लो बनता है। अब बात करते हैं इस रूल को फॉलो कैसे करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है डेलिबरेट प्रैक्टिस इनटू स्किल सिलेक्शन इनटू 100 आवर्स इज इक्वल टू वर्ल्ड क्लास स्किल। डेलिबरेट प्रैक्टिस मतलब हर रोज जानबूझकर खुद को फोर्स करना है प्रैक्टिस करने के लिए। दिन में कितने भी बजे बैठो स्किल सीखने, बस फोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ, अपने आप को रूम में लॉक करके खिड़कियां बंद करके प्रैक्टिस करनी है एकांत में। मान लो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हो, आपने सोचा एक घंटा मैं रोज दूंगा बिना किसी लेजीनेस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो एक घंटा एक सेकंड भी कम मत करो। फिर आप देखोगे 3 महीने के बाद में कि कैसी कैसी बेहतरीन पोस्ट आप डिजाइन करने लग जाओगे। फॉर्मूला में नेक्स्ट आता है स्किल सिलेक्शन। अच्छा आपको याद है जब हम स्कूल के टाइम में थे तो साल भर की पढ़ाई हम लास्ट में करते थे, तो साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जब एग्जाम्स आने वाले होते थे तो उसके एक दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करने बैठ जाते। वो स्कूल है या दुनिया है, आप एक दिन में हिमालय नहीं चढ़ सकते। आपको अगर कुछ सीखना है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग सीखनी है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन यू हैव टू डिवाइड योर वन स्किल इनटू मेनी माइक्रो स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइटिंग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले रिसर्चिंग, राइटिंग सीखने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं, एक टॉपिक पर कहां कहां से कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं, फिर उसको अरेंज कैसे करते हैं। 10 दिन तक आप ये करोगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। देन दूसरा जनरेटिंग आइडियाज, किसी पीस ऑफ राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो आपके पास में 10 तरह के आइडियाज होने चाहिए एक सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए। मींस आप क्रिएटिविटी बिल्ड करने में ध्यान दो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। फिर स्टोरी टेलिंग एंड एडिटिंग, जैसे एक न्यूज को कहानी की तरह कैसे बताते हैं, और एडिटिंग से मतलब है कि अपने फर्स्ट थॉट को रिजेक्ट करके सेकंड या थर्ड थॉट को सोचना। लास्ट है मोनेटाइजेशन, कहां से आपको राइटिंग का पैसा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी सर्च करना, अप्रोचिंग स्किल्स डेवलप करना। इसी तरह फोटोग्राफी में लगा सकते हो, वीडियो एडिटिंग में लगा सकते हो, AI सीखने में लगा सकते हो, ट्रेडिंग सीखने में लगा सकते हो, कुछ भी चूज करो आप, लेकिन उसको माइक्रो स्किल्स में डिवाइड करना है एंड स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेयर चढ़ना है। टिम फेरिस एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर है, लाइफस्टाइल गुरु है, इन्होंने 4R की एक थ्योरी बताई है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी स्किल को सीखने का बेस्ट मेथड है, जो कि है DSSS। क्या है ये? D4 Deconstruction, मतलब आपको एक स्किल को स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है, जैसे मैंने अभी बताया माइक्रो स्किल्स। S4 Selection, जो कंपोनेंट्स यानी माइक्रो स्किल्स आपने डिवाइड की है उसमें 25% माइक्रो स्किल्स वो है जो हाई वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, यानी ये 25% तो आपको सीखनी ही सीखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसमें टाइम इन्वेस्ट करो। सेकंड S है सिक्वेंस, मीन्स आपको अपनी प्रैक्टिस का ऑर्डर डिसाइड करना है, कहां से शुरू करना है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो उसका सोल्यूशन आपको इस चार्ट में मिल जाएगा। लास्ट S है स्टेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे अपने काम को सीखने को तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, क्या भुगतना पड़ेगा अगर आप बीच में तोड़ देते हो फ्लो को, ये पता होना चाहिए आपको। मीन्स अगर आप किसी भी चीज में कूद गए, वो नहीं कर पाए, तो क्या होगा, इसको नेगेटिव मोटिवेशन की तरह समझ सकते हो कि भाई अब यही करना है, देयर इज नो प्लान बी, यही सीखो, इसी से ही सब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। शॉर्ट में, कंक्लूजन में अगर बोलूं तो ये कि एक स्किल को माइक्रो स्किल्स में डिवाइड करके अगर उन सभी माइक्रो स्किल्स में एडवांस हो गए तो समझ लो जंग जीत ली। 100 फोकस घंटे आपको किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना सकता है। इस रूल को फॉलो करके आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसिस्टेंसी। विदाउट दिस द पावर ऑफ दिस रूल इज नॉन इफेक्टिव। मैंने आपको 2 चॉइस दी है, एक 365 दिन का चैलेंज है और एक 90 दिन का चैलेंज है, आपको जो सही लगे पिक करो, बस याद रखना है कि ब्रेक नहीं करना है, टफ डिसिप्लिन फॉलो करना है। कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, क्या पैटर्न है, कौन सा फॉर्मूला है, सब वीडियो में पता चल चुका होगा, अब बस आप स्टार्ट करो। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के कॉन्टेंट से परफेक्ट शॉट गया है, अगर दिल पे बात लगी है तो आप कमेंट करके बताओ। अगर आप चैलेंज ले रहे हो तो टाइप करो यस मैं चैलेंज ले रहा हूँ, क्या चैलेंज ले रहे हो लिख करके 90 दिन बाद आओ, 365 दिन बाद आओ और देखो आपने पूरा कराया नहीं कराया, उसको रिप्लाई करो। मेरा मकसद तब भी पूरा है अगर सिर्फ 50 लोगों ने ही चैलेंज लेकर दुनिया में कुछ ना कुछ कर दिया हो, 50 लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया हो इस वीडियो की वजह से। थैंक यू सो मच। कोको FM का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पिछले साल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी 2023 के स्टार्टिंग के लिए, वो वीडियो भी आप देख सकते हो, वो मेरी मास्टरपीस वीडियो है। उस वीडियो को तो मैंने खुद ने 5-6 बार देख लिया, कितने लोगों को दिखा दिए बोलते हुए कि ये मेरे लाइफ की बेस्ट वीडियोस में से एक है, इसको तो मिस करनी ही नहीं है। तो आप वो वीडियो देखो, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।